घर बैठे झटपट बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दम बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में। नमस्कार, वेलकम टू सुतमास किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दम बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में, ताकि हमारा काफ़ी सारे समय बच जाए और ये खाने में होगा बहुत ही टेस्टी लाजवाब। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आते हैं, मेरी रेसिपी को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दम बिरयानी। पनीर बिरयानी बनाने के लिए ये हमने 300 ग्राम बासमती चावल लिए हैं और इसको हमने 2 से 3 बार अच्छे से धोकर पानी में 10 मिनट भिगोकर रखी थी और 10 मिनट के बाद इससे पानी हटा लिया है। आप चाहे तो इसको ना भिगोकर 2 से 3 बार धोकर यूज़ कर सकते हैं। हमने लिए हैं 200 ग्राम पनीर के टुकड़े। अभी प्रेशर कुकर में हम देंगे 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी। तेल और घी को गर्म होने दीजिए। तेल और घी गर्म होते ही हम इसमें पनीर को हल्के से फ्राई कर लेंगे। पनीर हमारा हल्के से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पनीर को फ्राई मत कीजिए, नहीं तो पनीर हार्ड हो सकते हैं। अभी इसको हम पैन से टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो कच्चे पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हल्के से फ्राई करने से इसके टेस्ट दुगना हो जाते हैं। अभी हम एक बड़ी इलायची और 4-5 छोटी इलायची को हम थोड़े से क्रश कर लेते हैं। इससे बिरयानी के टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ये देखिए, इसको हमने क्रश कर लिया है और अभी उस गरम तेल में हम ये दे देते हैं 1 दालचीनी, थोड़े से जैत्री, 3-4 लौंग, शाहजीरा 1 छोटा चम्मच, कबाब चीनी हम देंगे 12-13 और 10-12 हम देंगे काली मिर्च। इसके साथ हम देंगे 2 तेज़पत्ता। अभी इस खड़े मसाला को हमें कुछ सेकेंड्स के लिए भूनना है। आपके पास अगर कबाब चीनी ना हो तो कबाब चीनी मत डालें और शाहजीरा के बदले में आप नॉर्मल जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर शाहजीरा में थोड़े से बढ़िया टेस्ट आते हैं। मीडियम फ्लेम में मसाला को कुछ सेकेंड्स भूनने के बाद जब खुशबू छोड़ने लगे तब इसमें हम देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को हमने बारीकी से काट लिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट के बाद जब देखें प्याज के कलर थोड़े से चेंज हुआ है तब इसमें हम देंगे 1 बड़े चम्मच अदरक पेस्ट और 1 बड़े चम्मच लहसुन के पेस्ट। हमने दोनों को एक साथ पेस्ट कर लिया है। आप चाहे तो अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं और घिस कर भी आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। अभी इसको हम 2 मिनट और भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब प्याज और लहसुन से कच्चे स्मेल निकल गए हैं तब इसमें देना है 2 टमाटर के पेस्ट। इसको अभी 4 से 5 मिनट भूनना है। 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून गया है। अभी इसमें हम देंगे 2 हरी मिर्च। इसको हमने 2-3 टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च आप जितना खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से ही डालें। अभी इसमें हम देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। बिरयानी मसाला को आप बाज़ार से खरीद कर इसमें यूज़ कीजिए। कोई भी ब्रांड के बिरयानी मसाला पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस मसाला को हमें लगातार चलाते हुए 1 मिनट भूनना है। 1 मिनट लगातार चलाते हुए मसाला को भून लिया है। अभी इसमें हम देंगे 2 बड़े चम्मच घर की बनाई हुई दही।
आप दही को मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप दही को अच्छे से फेंट लीजिए और गैस के फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। दही को देते ही लगातार चलाते हुए दही को एकदम अच्छे से मसाला के साथ मिक्स करना है ताकि दही फट ना जाए। दही को मसाला के साथ एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें देंगे स्वाद के अनुसार नमक, हम देंगे थोड़े से कटे हुए हरा धनिया, बाद में कुछ देना है, और ये हमने दो प्याज को ऐसे फ्राई कर लिए थे, इसको बेरस्ता भी बोलते हैं, इसको हम अभी थोड़े से यूज करेंगे यहाँ पर। इसको बनाने की लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। फ्राई किए हुए प्याज को देना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे इसको स्किप कर सकते हैं। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से पानी, थोड़े से मतलब एकदम बहुत ही कम पानी हम यहाँ पर डाले हैं, और इसको हम अभी अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसको एक मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है, मसाला तेल छोड़ रहे हैं। अभी इसमें हम देंगे राइस को, चावल को, ये हमने चावल को इसमें डाल दिया है। चावल को देकर इसको मसाला के साथ चावल को मिला लीजिए। चावल को हमने मसाला के साथ मिला दिया है, और ये हमने थोड़े से एक मुट्ठी चावल को हमने बचा कर रखेंगे, जिसको हमने बाद में यूज करना है। अभी इसमें हम देंगे हल्के से फ्राई किए हुए पनीर को, पनीर को देकर हल्की हाथों से इसको ऐसे मिक्स कीजिए। आप यहाँ पर स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं ताकि पनीर ना टूटे। इसको हिलाते वक्त एकदम सावधानी से हिलाइए, स्पैचुला अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और लो मीडियम गैस पे इसको चलाना है। एक मिनट इसको पनीर के साथ चावल को मिक्स कीजिए। अभी हम इसमें देंगे पानी, पानी हमने लिए है ठीक चावल के डेढ़ गुना। जिस बर्तन से आप चावल को मापेंगे उसी बर्तन से ही आप पानी को भी माप लीजिए, और जितने क्वांटिटी आप चावल लेंगे ठीक उसके डेढ़ गुना पानी लगेगी। पानी देकर इसको हम थोड़े से मिला देते हैं। अभी हम उस बचे हुए चावल को इसके ऊपर हल्के से स्प्रेड कर देते हैं ताकि बिरयानी जब रेडी हो जाएगा तब थोड़े से डेकोरेटिव लगे दिखने में, और एकदम दम बिरयानी जैसे लगे दिखने में। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और ना चाहे तो ऐसे ही इसको डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़े से ये अलग किया, इसको देकर हम इसके ऊपर थोड़े से धनिया पत्ता स्प्रेड कर देते हैं। बेरेस्ता और फ्राई किए हुए प्याज ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं। अभी इसमें हम देंगे एक चौथाई छोटा चम्मच गुलाब के पानी यानी कि गुलाब जल, और एक चौथाई छोटा चम्मच केवड़ा का पानी यानी कि केवड़ा का जल। अभी हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को दे देते हैं। हाई फ्लेम में दो सीटी और मीडियम फ्लेम में एक सीटी आने के बाद कुकर के प्रेशर पूरी तरह से खत्म करके हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर जो चावल हमने दिए थे एक्स्ट्रा, ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं ठीक है वैसे ही। अभी स्पून से इसको ऐसे हल्के हाथों से इसको ऐसे हिलाइए, ये देखिए चावल एकदम मॉइस्ट खिला खिला आप देख सकते हैं। अभी इसको हम सर्व करते हैं। ये हम अभी ये हमारा ज़बरदस्त पनीर बिरयानी को सर्व कर रही हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं चावल एकदम खिला खिला और मॉइस्ट दोनों ही है, और ऊपर जो हमने थोड़े से लेयर किए थे उसकी वजह से इसके टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम लग रहे हैं ना रेस्टोरेंट जैसा। चटपट
आप इस पनीर दम बिरयानी को प्रेशर कुकर में बना लीजिए और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।